अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और hashmi.com चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉडी लोशन को आपने त्वचा के रूखेपन को खत्म करने के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया होगा। इससे आपकी स्किन मुलायम रहती है और ग्लो आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने बॉडी लोशन को और भी कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं? आज हम आपको इसके कुछ अनोखे तरीके बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपको भी नहीं पता होगा। जूतों को चमकाने के लिए आप बूट पॉलिश की जगह अपने बॉडी लोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हल्का बॉडी लोशन जूतों पर लगाएं और कपड़े से इसे धीरे धीरे पॉलिश की तरह एक समान तरीके में जूतों पर रगड़ें। इसे आप बॉडी के अनचाहे बालों को हटाते वक्त शेविंग क्रीम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ पैर या अंडाम के बाल हटाने से पहले इन हिस्सों पर बॉडी लोशन लगाएं और फिर रेजर से इसे हटाएं। इससे स्किन सॉफ्ट भी रहेगी। कपड़ों में कई बार आपको बिजली जैसा झटका लगता है जिसे हम स्टैटिक एनर्जी भी कहते हैं। ऐसा अक्सर सर्दियों में ऊनी कपड़ों के साथ होता है। इससे बचने के लिए इन्हें पहनने से पहले हल्का बॉडी लोशन लें और अपने कपड़ों पर लगाएं। कई बार आप कोई अच्छी सी हेयर स्टाइल बनाती हैं लेकिन आपके फोरहेड पर आने वाले छोटे छोटे बाल जिन्हें बेबी हेयर कहते हैं वो आपका लुक खराब कर देते हैं। इसके लिए हल्का बॉडी लोशन लें और फोरहेड पर लगाकर इन्हें सेट करें। आप इससे दो मुहे बालों पर भी इस्तेमाल कर इसे छिपा सकती हैं। अगर आपके भी उंगली में काफ़ी कोई रिंग फंस जाए तो परेशान न हो, बस बॉडी लोशन लें और इसे रिंग वाले हिस्से में लगाएं। बॉडी लोशन की ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह रिंग वाला हिस्सा ढीला पड़ जाएगा और ये आसानी से निकल आएगी।